नमस्कार दोस्तों, BRMZSS न्यूज़ के साथ कोल साइड चैनल पर आप लोगों को स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज इस वीडियो में आप लोगों को एक जानकारी मिलेगी और ये जानकारी देखकर आप लोग के मन में एक जोश आएगा, BRMZSS पर विश्वास आएगा, उम्मीद रहेगी और जान सकेंगे कि BRMZSS में जो नौकरी हारने जा रहा है वहाँ पर नौकरी लगने से क्या काम करना पड़ेगा और अभी कैसे काम कर रहे हैं श्रमिक भाइयों ने, ये जानकारी आप लोगों को मिलेगी। देखते रहिए वीडियो के एंड तक, देखिए तो समझ आएगा। सब BRMZSS पर पूरी उम्मीद या विश्वास आएगा। देखिए दोस्तों, ये एक बड़ा माल गोदाम है और माल गोदाम कौन सा माल गोदाम है ये नाम बताना नहीं चाहता हूँ दोस्तों, देखते रहिए। लेकिन ये एक बड़ा जंक्शन के आसपास की ही एक माल गोदाम है और बड़ा कितना बड़ा आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो ट्रेन है, मालगाड़ी है, ट्रक है, लोडिंग अनलोडिंग करने वाले में जो दृश्य चल रहे हैं वहाँ से आप लोगों को उम्मीद लगेगी कि ये कितना बड़ा है। देखिए जो ये बोरी देख रही है, ये बोरी है सीमेंट बनाने वाले मिट्टी है और ये अभी लोडिंग अनलोडिंग कर रहे हैं बहुत श्रमिक भाई वालों ने। देखिए ऐसे ट्रेन या रेक पर आते हैं वो सीजे और ये जो गोदाम है वह यहाँ पर सीमेंट कोयला जैसे कच्चे चीज़े की आमदनी रफ्तानी होते हैं और देखते रहिए। यह वीडियो आप लोग आज से देखें तो ये बहुत एक जानने वाले जानकारी मिले। दोस्तों श्रमिक भाइयों, ये जो हमारा BRMZSS में नौकरी मिलने वाले हैं, मिलने जा रहे हैं, ये ऐसा नौकरी, ये कोई ऐसे आरामदायक नौकरी नहीं है। ये इसमें लेबर वालों को काम करना पड़ेगा, मुंशी वालों को भी काम करना पड़ेगा, सरदार वालों को भी हेडेक होने वाला काम करना पड़ेगा। जैसे हिसाब की टास्क हिसाब क्लियरली रखना पड़ेगा और लेबर वालों को ऐसे काम करना पड़ेगा हाथों से। लेकिन नकली लगने के बाद कम हो जाएगा, यानी जो अभी श्रमिक भाइयों ने जितना काम कर रहे हैं, जितने टाइम तो काम कर रहे हैं उतना टाइम में ही करना पड़ेगा। जैसे रेलवे डिपार्टमेंट में काम जितने टाइम के काम करना पड़ता है उतना ही टाइम काम करना पड़ेगा। और अभी तो जैसे हाथों से काम करना पड़ रहा है, लेकिन डिजिटल इंडिया में जो डिजिटली या मशीन से करें काम चलेगा, जैसे वो FCI में भी अभी मशीन से 80% काम चल रहे हैं और खुद लेबरों से 20% काम चल रहे हैं, वैसे भी BRMZSS में ही होगा। लेकिन लेबर वालों को तो काम करना ही पड़ेगा। दोस्तों देखिएगा और एक लास्ट तक आप लोग एक दृश्य और देख पाएंगे जहां आप लोगों को पता चलेगा कि जो वर्तमान समय में सुविधाएं देने पाने वाला पाने वाला है वो नहीं वो पा रहे हैं श्रमिक भाइयों ने। और ऐसे देखिए ट्रक कितना भरी हुई है, यहां से पता चलता है ये कितना बड़ा गोदाम है। और BRMZSS जिंदा, कोई तो कहना चाहता है कि BRMZSS के नाम की कोई चीज़ें नहीं है, कोई संगठन ही नहीं है, कोई काम भी नहीं है। लेकिन दोस्तों देखिए ये BRMZSS की है ये सब, और ये बड़ा ही एरिया है और सब श्रमिक भाइयों को काम करने की वजह से सीमेंट के धूल से और चीज़ों के धूल से सफ़ेद होना पड़ता है और लास्ट में ये ऐसे नहाना पड़ता है। एक पाइप पर ऐसे 20-25 श्रमिक भाइयों ने नहाना पड़ता है। ऐसे हालत
से पता चलता है कि सुविधाएं जो देना था वो सुविधाएं पूरी तरह से नहीं पा रहा है, और इसलिए भी आरएमजीएसएस ने ऐसे संघर्ष संग्राम कर दाबी आ रहा है। धन्यवाद दोस्तों।